नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। अब उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। करीब चार दशकों तक लखनऊ के जिस सरकारी आवास से आजम खान की सियासत चला करती थी, जहां बैठकर वो राजनीति के पन्ने पलट रहे थे, अब वहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। पहले हेट स्पीच केस में सजायाफ्ता होने के बाद विधायकी रद्द हो गई। उसके बाद उपचुनाव में रामपुर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने उनके उम्मीदवार आसिम रजा को हरा दिया, जिसके बाद अब राज्य संपत्ति विभाग ने उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया है। अब ये आवास बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट किया गया है। बुधवार शाम को राज्य संपत्ति विभाग ने दारुशफा स्थित सरकारी आवास 34B को बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना को अलॉट कर दिया है। पिछले 40 दशकों से दारुल शफा के सरकारी आवास 34B आजम खान का नहीं रहेगा। आजम खान को अलॉट रहे बंगला मिलने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि नियम के मुताबिक उन्हें सरकारी आवास मिला। उन्हें पाया गया है कि वो वही बंगला है जो कभी आजम खान के नाम हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इस आवास के बारे में बहुत कुछ सुना है। हाल ही में हुए उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने रामपुर सदर सीट पर जीत दर्ज कराई थी। बंगला चला गया, विधायकी रद्द हो गई, आजम खान का उतारा गया उम्मीदवार हार गया। अब राजनीति में अपना बड़ा ना चुके आजम खान क्या करेंगे? फिलहाल आजम खान की तरफ से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।